हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.7 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2.6 तक सारी एक्सरसाइजेस देख ली हैं। अगर आपने अभी तक उन एक्सरसाइजेस की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने पहले वीडियोज़ देखी होंगी तभी आपको ये एक्सरसाइज 2.7 समझ में आएगी, क्योंकि इसमें हम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके बारे में नहीं जानेंगे, उनसे आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा हम मल्टीप्लिकेशन जान चुके हैं डेसिमल नंबर्स का, अब यहाँ पर आपको डिवीज़न दिया गया है यानी डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 0.4 डिवाइडेड बाय 2 है। तो देखो 0.4 को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हम डेसिमल हटाएंगे, ये जो डेसिमल है बीच में 0.4 है, तो ये जो डेसिमल है इसको हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो जब हम डेसिमल हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये भी हम पिछले वीडियोज़ में जान चुके हैं। यहाँ पर देखो डेसिमल से आगे वन नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 10 लगा देंगे, ठीक है। तो डेसिमल, जब मैंने 0.4 में से डेसिमल हटाया तो यहाँ पर सिर्फ 4 बच गया, और डेसिमल के आगे क्योंकि एक नंबर था इसलिए मैं 1 के आगे 10 लगाऊंगी। अगर डेसिमल के आगे 42 लिखा होता, यानी दो नंबर होते ना डेसिमल के आगे, तो मैं यहाँ नीचे 20 लगाती, ठीक है। तो अभी है 0.4, यहाँ ओनली 1 नंबर है तो मैंने 10 लगाया डेसिमल हटाने पर, ठीक है। और अब ये हमारा डेसिमल हट गया तो ये 4/10 हो गया। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय 2, तो इधर मैं लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 4/10 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं देखूँ ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लेना चाहिए। इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं 2/1 लिख दूँगी, ठीक है। आप 2 लिखो या 2/1 लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो अब मैंने लिख दिया 2/1, अब मैंने दोनों को ही फ्रैक्शन बना लिया। अब दो फ्रैक्शन जब आपस में डिवाइड होते हैं तो हम क्या करते हैं, दो फ्रैक्शन जब आपस में डिवाइड होते हैं तो हम जान चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हमें यह करना होता है, ये वाला फ्रैक्शन तो सेम रहता है, ये वाला फ्रैक्शन तो 4/10 ही रहेगा, लेकिन डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और जो इस साइड वाला फ्रैक्शन होता है उसे कर देते हैं उल्टा। यानी यहाँ 2/1 लिखा है तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1/2, ठीक है, यानी 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से कर देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब आप करें इसको सॉल्व, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा, देखते हैं क्या आएगा। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो या तो आप ऐसे लिख दो 4 × 1 हो जाता है 4 एंड 10 × 2 हो जाता है 20, ठीक है, यानी आगे हमारा 4/20, आंसर हमारा 4/20 आ गया। अब यहाँ से जब मैं कट करूँगी तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 2s are 4 और 2 10s are 20, तो कट होने पर मुझे 2/10 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2/10 हमारा आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप जब इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था तो डायरेक्ट इधर भी कट कर सकते थे, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, ऐसे भी कट कर सकते थे। या फिर आप पहले 4 × 1 4, 10 × 2 20 लिख लो, उसके बाद में कट कर दो, ठीक है। तो हमने कट किया, इसको स्मॉलर बनाया फ्रैक्शन को, तो 2/10 आ गया, ठीक है। तो आंसर इज 2/10। अब 2/10 तो फ्रैक्शन में है, हम क्या करेंगे, अगर हमें 2/10 को डेसिमल में लिखना हो तो हम इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में कैसे लिखेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर 10 है, जैसे हमने मान लीजिए 0.2 होता तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते, अगर हम डेसिमल हटाते तो ये बचता 2, ठीक है, यहाँ 2 बचता और डेसिमल के आगे 1 डिजिट थी, इसलिए हम नीचे 10 लिख देते, है ना, इसलिए हम नीचे 10 लिख देते, 2/10 लिखा जाता, यानी इसी तरीके से लिखा जाता। अब इस 2/10 को अगर आप इसी 2/10 को दोबारा से डेसिमल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 है इसलिए आप क्या करेंगे, 2 के आगे एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो यानी 1 डिजिट के आगे डेसिमल लग गया, उसके बाद यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं, 0.2, इस तरीके से आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर हमारा 2/10 आया है, लेकिन अगर आप 2/10 को डेसिमल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0.2, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ 0.35 डिवाइडेड बाय 5। तो 0.35 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो इधर सबसे पहले 0.35 अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो हमें मिलेगा 35/100, क्योंकि
डेसिमल के आगे दो डिजिट थी इसलिए मैंने टू जीरोज लगाई, ठीक है। और डिवाइड में फाइव है, अब फाइव को भी मैं फ्रैक्शन बना लेती हूँ, फाइव अपॉन वन लिख लेती हूँ, तो अब दोनों ही फ्रैक्शन हो गए। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, 35/100 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और 5/1 का रेसिप्रोकल 1/5 लिख दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद 35 × 1 हो जाते हैं 35 और 100 × 5 हम कर लेंगे 500, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अब आप इसे यहाँ से कट करें या फिर मैंने आपको बताया था कि आप पहले भी कट कर सकते हैं, जैसे अगर अभी ये है हमारा, इसको हम यहीं पर कट कर सकते हैं, 5 × 1 = 5 और 5 × 7 = 35, ठीक है। तो हमने यहीं से यहीं कट कर दिया। उसके बाद इधर 7 है और इधर 1 आ गया, ठीक है। तो 7 × 1 कितने होते हैं, 7 × 1 हो जाते हैं 7। उसके बाद 100 × 1 कितने होते हैं, 100 × 1 हो जाते हैं 100, ठीक है। तो इस तरीके से 7/100 हमारा आंसर आ गया। 7/100 को अगर हम लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में तो हम लिखेंगे 0.07, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सेम ही है, 2.48/4 हमारा क्वेश्चन है। तो इधर आप देखेंगे तो देखो 2.48 यानी ये हो गया 248/100 जब इसका डेसिमल हटाया जाएगा तो, और डिवाइडेड बाय 4/1। 4/1 को हम उल्टा कर देते हैं तो 248/100 मल्टीप्लाई 1/4 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम कट करें तो 4 × 1 = 4 और 4 की टेबल में 248 भी आता है, डिवाइड करके देख लेते हैं कब आता है 4 और 248। देखो 4 × 6 = 24 हो जाते हैं और 8 उतर जाएगा और 4 × 2 = 8 हो जाते हैं, तो 62 आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी 4 × 1 = 4 ये तो 1 से कट हो जाएगा खुद और 4 × 62 = हो जाते हैं 248, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 62 हो गया, यहाँ 1 आ गया, तो 62 × 1 कितने होते हैं, 62 × 1 = 62 और 100 × 1 कितने होते हैं, 100 × 1 = 100। तो आंसर आ जाएगा 62/100। 62/100 को अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.62 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो दो जीरो हैं यहाँ पर, तो दो जीरो हैं तो दो डिजिट्स को छोड़कर 6 और 2 दोनों को छोड़कर यहाँ डेसिमल लगेगा, तो 0.62 हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। देखो ये सारे यहाँ पर ना क्वेश्चंस हैं ऊपर की तरफ और ये सारे आंसर्स हैं इनके। देखो आंसर नंबर 3 अभी हमने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जो कि है 6, तो 65.4/6, तो 65.4 को अगर हम लिखेंगे तो 6 × 5 = 4/10 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/6। 6/1 का हमने उल्टा कर दिया, 1/6 है ना, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे, देखिए 6 × 1 = 6 और 6 की टेबल में 654 भी आता है, देखिए कैसे आएगा, 6 × 1 = 6 हो जाएंगे, 5 उतरेगा और 5 से तो जाएगा नहीं तो इधर 0 लग जाएगा, फिर 4 उतारेंगे और 5 × 9 = 54 हो जाते हैं, ठीक है। तो 6 की टेबल में 6 × 109 = 654 होते हैं, तो ये कट हो जाएगा 109 से, 109 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाते हैं 109 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाता है 10, तो 109/10 हमारा आंसर आ जाएगा। 109/10 यानी अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो 10 यानी 10 यानी 1 डिजिट के आगे आप एक डेसिमल लगा दोगे, 9 के आगे डेसिमल लगा दोगे, तो 10.9 आपका डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 651.2/4, इसको करें तो 6512/10 हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा 1/4, इसको मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 की टेबल में 4 × 1 = 4 और 4 की टेबल में 6512 भी आता है, देखते हैं कब आता है 6512। तो देखो 4 × 1 = 4 यहाँ 2 बचा, 5 हमारा उतर जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाते हैं, नहीं 4 × 6 कर लेते हैं, 4 × 6 = 24, ठीक है। यहाँ 1 बचा, उसके बाद 1 उतर गया 11, 4 × 2 = 8, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर उतरा 2, 4 × 8 = 32,
ठीक है, तो आंसर 1628 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1628। तो ये 4 1 4 और 4 1 6 2 8 6512, ठीक है। तो अब देखो 1628 इंटू 1 हो जाता है 1628, 10 इंटू 1 हो जाता है 10, ठीक है। तो आंसर आ गया 1628 अपॉन 10, ठीक है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिखा जाएगा 1628.8, ठीक है। चलिए तो यही क्वेश्चंस हैं और बाकी 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, इनको मैं चाहूँगी कि आप खुद से ट्राई करो बिकॉज दे आर सो इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, ये है 14.49 डिवाइडेड बाय 7, तो 14.49 डिवाइडेड बाय 7 तो इसको मैं लिख दूँगी 14.49 तो हो जाएगा 1449 अपॉन 100 एंड देन डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/7, है ना। उसके बाद हमारा जब हम इसे करेंगे तो ये कट हो जाएंगे 7 1 7 और 7 207 1449, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 207 आ गया, जब 207 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 207 आ जाएगा, 100 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा, तो 207 अपॉन 100 हमारा आंसर आ जाएगा। डेसिमल में आप इसको 2.07 लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 3.96 डिवाइडेड बाई 4, 3.96 डिवाइडेड बाई 4, अब इसमें देखो 3.96 हमारा हो जाएगा 396 अपॉन 100, अगर डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 4 की जगह 1/4 लिख दिया जाएगा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कर सकते हैं इनको कट, कैसे कट करोगे, 4 1 4 और 4 99 3 96, ठीक है। तो 99 1 99 हो जाएंगे, 100 1 100 हो जाएंगे, 99 अपॉन 100 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 0.99 डेसिमल में आप लिखेंगे। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 0.80 डिवाइडेड बाय 5, इसको देखिए कैसे करेंगे। 0.80 का जब आप डेसिमल हटाओगे तो 80 अपॉन 100 हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और यहाँ 5/1 हो जाएगा, 5/1 का उल्टा करोगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप कट कर सकते हो 5 1 5 और 5 16 80, ठीक है। उसके बाद 16 into 1 16, 100 into 100 यानी 16/100 आपका आंसर आ जाएगा। 16/100 को हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट्स देख लिए फ्रॉम 1 to 8, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड करना है हमें 4.8 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है। तो देखो 4.8 डिवाइडेड बाय 10, अगर हम इसे देखें 4.8 डिवाइडेड बाय 10, तो अभी हमने पिछला जो हमारी एक्सरसाइज गई थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लें 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10, ऐसे हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन कि डेसिमल में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमें याद है कि जब भी 10, 100, 1000 एंड सो ऑन इन सब का मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, ये जो डेसिमल है ना, अब यहाँ 10 में 10 है, 10 में यहाँ 10 है, तो यहाँ इस डेसिमल को एक डिजिट आगे बढ़ा देते थे कि डेसिमल अभी इधर है तो इधर से उठकर एक डिजिट आगे हो जाएगा, यानी 48 के आगे इस तरीके से लग जाएगा 48.0, यानी है ना 48.0 का मतलब 48 ही होता है। तो आंसर इस तरीके से आ जाता था कि जब भी 10, 100, 1000 एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, जितनी जीरो होती हैं उतनी डिजिट आगे डेसिमल को बढ़ा देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जब डिवाइड होता है ऐसे नंबर्स का, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स का जब डिवाइड किया जाता है तो जैसे मल्टीप्लाई में हम आगे बढ़ा देते थे, यहाँ जब डिवाइड होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड यानी पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं डेसिमल को। जैसे यहाँ पर 10 है तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को 4 के आगे रख देंगे, यानी 4 एक डिजिट हो ना तो एक डिजिट के आगे रख देंगे, यानी इधर रख देंगे, तो आंसर आ गया 0.48 यानी 0.48 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर इज 0.48। तो आप डायरेक्ट इनमें क्या करना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन के बाद इज इक्वल टू करके क्या कर देना 0.48 डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखते जाना, ठीक है। और ये जो आंसर्स दिए गए हैं इन्हें पूरा लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं 0.48, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही देखो सभी क्वेश्चंस के मैं करती हूँ, यहाँ पर 10 है, 10 52.5 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 में 10 है तो ये डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा 2 के आगे, यानी 1 डिजिट के आगे, तो 5.25 आपका आंसर हो जाएगा, 5.25। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल हमारा इधर चला जाएगा 0 से आगे, तो ये हो जाएगा 0.07,
या फिर आप लिख सकते हैं 0.07, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है, 33.1 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 में भी 10 है, तो यहाँ पर डेसिमल 3 के आगे इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, एक डिजिट छोड़ के आगे लग जाएगा, यानी 3.31 हमारा आंसर हो जाएगा, 3.31। सारे 10 से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो एक एक डिजिट आगे बढ़ाते जाइए आप डेसिमल को, जैसे डेसिमल इधर है तो अब ये जो डेसिमल है इधर लग जाएगा, ठीक है, तो यानी 27.223 ये इधर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0.56 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर हो जाएगा 0.056, ठीक है। ऐसे ही जो लास्ट क्वेश्चन है 3.97 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर हो जाएगा 0.397, ठीक है। तो ये आंसर्स हो जाएंगे, आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सिमिलर ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर बस 100 है, तो यहाँ बस 100 दिया गया है, तो जैसे मैंने आपको बताया था 100 है तो हम दो डिजिट आगे बढ़ा देंगे, तो क्वेश्चन है 2.7 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो टू डिजिट हमें लेफ्ट हैंड साइड करना है डेसिमल को, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, इस डेसिमल को अगर हम 2 के आगे लगा दें तो ये तो 2 तो एक 1 ही डिजिट हुई ना, 2 तो सिर्फ 1 डिजिट हुई, तो हम इधर 0 और ऐड कर देंगे, जैसे दो डिजिट बन जाएंगी। अब इस डेसिमल को इजीली हम इन दो डिजिट के आगे यानी इधर लगा सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.027, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कि देखो पहले डेसिमल इधर थी, उसके बाद ये दो डिजिट छोड़ के इधर लग गई, इधर लग गई, है ना, तो इसी वजह से आंसर हो जाएगा 0.027। तो आंसर इज़ इधर लिख दीजिए 0.027। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0.003, ठीक है, 0.003। इधर इसका आंसर क्या होगा, देखो एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 0.0078, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 432.6 डिवाइडेड बाय 100, इधर आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ डेसिमल इधर है तो दो डिजिट के आगे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरो हैं, दो डिजिट आके आगे यानी 32, ये दो डिजिट हो गई तो इधर लग जाएगा डेसिमल, यानी 4.326 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर आंसर, इधर आपका आंसर हो जाएगा 0.236, 98.53 डिवाइडेड बाय 100, इधर आपका आंसर हो जाएगा 0.9853, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सेम है, इधर बस क्या है 1000 से डिवाइड हो रहे हैं ये सारे नंबर, तो इधर भी सेम वही चीज़ होगी, यहाँ 3 डिजिट पीछे चली जाएगी ये डेसिमल, तो यहाँ ना क्या होगा, इधर आंसर हो जाएगा 0, देखो पहले मैं एक बार कर दिखा देती हूँ, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000 आपको यहाँ दिया गया है, तो देखो 3 डिजिट पीछे करनी है हमें ये डेसिमल, तो जब हम इस डेसिमल को 7 के आगे लगाएंगे तो ये सिर्फ 1 डिजिट पीछे होगी, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, जिससे 3 डिजिट बन जाएंगी कुल मिलाकर, उसके बाद इस डेसिमल को उठा के इन तीनों के आगे लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 0.0079, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.0079, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, तो इधर हो जाएगा आंसर 0.0263, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 38.53 डिवाइडेड बाय 1000, इधर आंसर हो जाएगा 0.0, मैं थोड़ा इधर से लिखती हूँ, देखो 0.03853, ये इधर आंसर हो जाएगा। एंड देन है 128.9, तो देखो यहाँ इस डेसिमल को उठा के ये 3 डिजिट हैं इधर रख देंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.1289। एंड देन नेक्स्ट हमारा, इधर हमारा आंसर होगा 0.0005, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। जैसे हमने पहले देखे 7 / 3.5 ये हमारा क्वेश्चन है, तो 7 / 3.5 इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 तो चलो मैं पीछे कर दिखाती हूँ। 7 / 3.5 ये हमारा क्वेश्चन है, राइट, सॉरी 3.5 है, मैं थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 तो 7 ही रहेगा, ठीक है, या फिर आप 7/1 भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय, अब 3.5 का अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 35/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया 7/1 / 35/10। अब हम क्या करेंगे, जो इस साइड होता है नंबर, जो इस साइड फ्रैक्शन होता है, जब दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड की जगह तो पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है। 7/1 सेम रहेगा, लेकिन जो इस साइड फ्रैक्शन होता है वो हो जाता है उल्टा, यानी यहाँ पर 35 नीचे और 10 ऊपर हो जाएगा, 10/35 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद बहुत सिंपल है, 7 × 1 = 7 यहाँ कट कर सकते हैं, और 7 × 5 = 35 इस तरीके से कट हो जाएगा। उसके बाद 1 × 10 कितने होते हैं, 1 × 10 हो जाते हैं 10, और 5 × 1 कितने होते हैं, 5 × 1 हो जाते हैं 5। तो आंसर आ गया 10/5, आंसर क्या आ गया, 10/5 आ गया, ठीक है। अच्छा देखो 10/5 आ गया। अब ये जो है अगर आप करें इसको कट, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, या फिर देखो 10/5 का क्या मतलब होता है, 10/5 का मतलब होता है कि 5 डिवाइड हो रहा है 10 से, तो 5 जब 10 से डिवाइड होता है तो ईजिली हमारा 5 × 2 = 10 आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2 पूरा होल नंबर हमारा आंसर आएगा, आंसर में कोई डेसिमल नहीं आ रहा, आंसर में 2 आ रहा है, यानी पूरा होल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इज 2, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे आप। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 / 0.2, तो 36 / 0.2, 36 को मैं 36/1 लिख सकती हूँ, डिवाइड की जगह मैं अभी डिवाइड ही रखते हैं, 0.2 को अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी, 0.0 हटाऊंगी, ये जो बीच वाला है, तो ये 2/10 लिख दिया जाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के आगे सिर्फ एक ही डिजिट थी इसलिए एक ही जीरो लगी यहाँ पर। उसके बाद 36/1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 2/10 का रेसिप्रोकल 10/2। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से कट कर सकती हूँ, 2 × 1 = 2, और 2 के टेबल में 36 कब आता है देख लीजिए, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, यानी 2 × 18 होता है 36, तो 18। अब 18 × 10 कितने होते हैं, 18 × 10 180 हो जाते हैं, एंड 1 × 1 कितने होते हैं, 1 × 1 = 1 हो जाते हैं, यानी 180/1 आंसर आ जाएगा। 180/1 का क्या मतलब है, 180/1 का मतलब है 180, है ना। तो आंसर आ गया हमारा 180, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 3.25 / 0.5, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इधर देखो 3.25 का जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो ये हो जाएगा 325/100। उसके बाद डिवाइडेड, जब इसका डेसिमल हटाऊंगी 0.5 का, तो ये हो जाएगा 5/10, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, 325/100 इस तरीके से लिख देती हूँ, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और 5/10 का उल्टा 10/5 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बाद यहाँ मैं काट कट कर सकती हूँ इनको, 5 × 1 = 5, और 5 की टेबल में 325 कब आता है, देखो 5 की टेबल में 325 कब आता है, 5 × 6 = 30 एंड 5 × 5 = 25, 65, ठीक है। तो 5 × 1 = 5 और ये कट जाएगा 65 पर, 5 × 65 = 325, ठीक है। और इधर ऐसे ही मैं 10 × 1 = 10 और 10 × 10 = 100 ऐसे काट सकती हूँ। अब देखो 65 × 1 हो जाते हैं 65 और 10 × 1 हो जाते हैं 10, तो 65/10 हमारा आंसर आ गया। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूँ तो मैं 6.5 भी लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, एंड ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 30.94 / 0.7, ठीक है।
इसको करते हैं। 30.94 का जब हम डेसिमल हटाएंगे, 30.94 का जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3094 अपॉन 100, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और 0.7 का जब डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/10। अब देखिए, सॉरी यहाँ पर डिवाइड ही लगा देती हूँ अभी, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर 3094 अपॉन 100 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और 7/10 की जगह 10/7, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कट कर सकते हैं, 10 वन ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, ठीक है, और यहाँ 7 वन ज़ा 7 और 7 4 4 2 ज़ा 3 0 9 4, इस तरीके से कट हो जाएगा। उसके बाद 4 4 2 × 1 हो जाता है 4 4 2, एंड 10 × 1 हो जाते हैं 10, ठीक है। तो 442/10 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 44.2, ठीक है, 44.2। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप 5th, 6th, 7th, 8th, बहुत इजी हैं सारे ही, आप कर सकते हैं खुद से ही। और जब आप खुद से करें तो एक बार यहाँ से चेक भी कर लीजिएगा आंसर, ठीक है, सारे आंसर आप चेक कर लीजिएगा, एंड ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली। चलिए लास्ट वाला मैं एक बार कर दिखा देती हूँ, क्योंकि लास्ट वाला मोस्टली डिफ़िकल्ट होता है। वैसे ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3 यहाँ पर दिया गया है। तो देखो, इसे हम करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर हटाएंगे तो 273/100 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड में यहाँ पर जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13/10। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इधर 10/13 आ जाएगा, और इधर सेम रहेगा 273/100। अब उसके बाद यहाँ 10 वन ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 वन ज़ा 13 हो जाएगा, एंड 13 21 ज़ा 273 हो जाएगा। उसके बाद 21 × 1 हो जाता है 21, एंड 10 × 1 हो जाते हैं 10। तो 21/10 आंसर आ गया। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो 2.1 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से सभी के आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि एक व्हीकल है जो कि 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में, तो वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा 1 लीटर पेट्रोल में। तो देखो, इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल जो डिस्टेंस कवर करता है व्हीकल, वो है 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 43.2 का डिवाइड कर देंगे 2.4 में, हमें आंसर पता चल जाएगा। जब 43.2 का डिवाइड होगा 2.4 में, तो 43.2 को लिखा जाएगा 432/10, और 2.4 को लिखा जाएगा 24/10 जब हम डेसिमल हटाएंगे तब, ठीक है। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और 24/10 उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10/24, ठीक है। तो 432/10 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और 24/10 को हम लिख देंगे 10/24, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये तो खुद ही कट हो जाएंगे 10 वन ज़ा 10 एंड 10 वन ज़ा 10। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 432 × 1 हो जाता है 432, एंड 1 और 24 हो जाते हैं 24, तो 432/24 आंसर आ गया, ठीक है। और उसके बाद जब हम 24 और 432 का डिवाइड करेंगे ना, तो 24 और 432 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 24 वन ज़ा 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 बच जाएगा, है ना, सॉरी 13 नहीं, यहाँ 19 बचेगा, ठीक है। तो 19 एंड यहाँ 2 उतर जाएगा इस तरीके से, एंड 192 कब आता है 24 के टेबल में, 24 8 ज़ा 192 होता है, 24 8 ज़ा 192 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल हैं ये दोनों, और आंसर हमारा आ जाएगा 18। तो 18 किलोमीटर इज़ अवर आंसर, कि यानी 1 लीटर पेट्रोल में वो 18 किलोमीटर चल सकती है। तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई इन 1 लीटर पेट्रोल, हुई 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो 1 लीटर पेट्रोल में द व्हीकल कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो इट कवर्ड 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड ये लास्ट क्वेश्चन था ऑफ एक्सरसाइज 2.7। काफ़ी इजी और अच्छी एक्सरसाइज थी, मज़ेदार भी थी, आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।